गरियाबंद जिला के पीपरछेड़ी ग्राम में सोन नदी पोरेल बांध किसान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी, पूर्व विधायक राजेंद्र संतोष उपाध्याय, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश साहू कार्यक्रम में शामिल हुए। पीपरछेड़ी में पहुंचते ही अतिथियों का जोरदार स्वागत सांसद प्रतिनिधि ईश्वर वर्मा के नेतृत्व में किया गया। उसके बाद मंच पर भारत माता की प्रतिमा का पूजा अर्चना की गई। ये सरकार जो है इनको किसान के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, किसान हितैषी कह करके जनता के बीच में वोट तो ले लिए, लेकिन आज अभी मेरे को सब तुरंत अभी खबर मिला है कि उनके ही लोग गए हैं अभी ज्ञापन देने के लिए SDM के पास, और लगातार पूरा छत्तीसगढ़ में लगातार किसान आज एक महीना से परेशान है कि कहीं भी सोसाइटियों में यूरिया नहीं है और DAP नहीं है, किसी प्रकार से खाद नहीं है। ये सरकार की पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है, ये केवल हवाबाजी, हवा में बात कर रहे हैं, केवल एक ही चीज़ है नरवा गरवा घुरवा बारी, 100 में 90 लबारी, और कोई दूसरा काम तो है नहीं भैया। अरे कब खाद मंगाना है, किस समय खाद मंगाना है, कौन से सोसाइटी सहकारी सभा में कितनी खाद की ज़रूरत है, हर को मालूम है, किसको मालूम नहीं। प्रतिवर्ष तो खाद आते रहा है, तो इन सब सरकार को 2 महीना पहले व्यवस्था करना चाहिए। तो आज तक खाद की समस्या से जूझ रही है, और ये सरकार मेरे को लगता है कि किसानों को परेशान करके इनकी उपज कम हो ताकि हम कम धान खरीदें, ऐसे इनकी मंशा है, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है।